सी कंपार्टमेंट स्टूडेंट आपके लिए दो बहुत बड़ी अपडेट है। तो दो लेटेस्ट अपडेट है कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड और कॉलेज एडमिशन को लेकर, और साथ साथ दोस्तों कुछ आप लोगों के डाउट्स है उस पर भी बात करूंगा। तो फाइनली दोस्तों आज की है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। सो गाइज दिस वीडियो इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ, आपका रिजल्ट 10 अक्टूबर तक आएगा, ठीक है, ये आपको तो पता ही है। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को और UGC को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा था, दोनों को साथ काम करने के लिए कहा था कि कॉलेज एडमिशन को लेकर, एकेडमिक सेशन को लेकर इस पर कोई काम करे, इस पर विचार करे। तो इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आज की खबर है कि UGC ने यहाँ पर CBSE को इन्फॉर्म किया है कि जो आपके कॉलेज एडमिशन है उसकी डेट दोस्तों 31 अक्टूबर तक होगी, जो उसकी लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर तक होगी। दोस्तों ये आप प्रूफ देख सकते हो, प्रूफ के साथ मैं ऑथेंटिक न्यूज आप सभी के लिए लाता रहता हूँ, ये ऑफिशियली पेज है, ऐसे ही किसी रैंडम किसी ने ट्वीट नहीं कर लिया है। तो आपका रिजल्ट 10 अक्टूबर तक आएगा और आपके पास लगभग 20 दिन होंगे कॉलेज एडमिशन को लेकर। सो ऑल ऑफ द इंडिया आप यानी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, और आप लोग जानते हो इसके लिए हम सब ने फाइट की थी और हमारे PL भी हुई थी, जिसमें दोस्तों हमारे एडवोकेट हैं विवेक तनका सर। तो मैं सभी इन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, निधि तनेजा मैम जिन्होंने हमेशा अपडेट करता रहा, और उन पिटीशनर को जितने जिन्होंने पिटीशन फाइल दर्ज की थी, और सभी एडवोकेट को जो तन्वी मैम है, शक्ति पांडे सर, विवेक तनका सर, और हम सभी को, इन सभी यूट्यूब कम्युनिटी को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ साथ आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी दोस्तों कमेंट में ज़रूर उनका धन्यवाद कहना चाहिए, सो कमेंट करके थैंक यू टू ऑल जरूर लिखें। अब बात करता हूं दोस्तों सेकंड अपडेट, दोस्तों दूसरी खबर है जो अभी है फिलहाल निकल कर आ रही है कि आपका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, या मतलब कि DigiLocker पे आएगा, या ऑफिशियली वेबसाइट पे आएगा, या ऑफलाइन आएगा। तो इसमें लेकर अभी खबर यह आ रही है कि जो आपका रिजल्ट है वो DigiLocker पर नहीं आएगा, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप ही के सेंटर में आएगा, आप ही के स्कूल में आएगा, आप ही के कॉलेज में आएगा, लेकिन DigiLocker पर नहीं आएगा। अभी ये खबर निकल कर आ रही है, लेकिन मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, तो मैं आप लोगों को एकदम यहाँ पर 100% श्योर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अपडेट है जो आपको बताना ज़रूरी है, लेकिन खबर निकल कर अभी यही आ रही है, ठीक है। तो अब बात करता हूँ कुछ आप लोगों के डाउट्स है कॉपी चेकिंग को लेकर, कॉपी चेकिंग कैसी होगी, हार्ड होगी या इजी होगी। तो दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो मैं आप जाके वीडियो देख सकते हो। हालांकि अभी भी मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि कॉपी चेकिंग हार्ड होगी, मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों ग्रेस मार्क्स एक लिमिट के तहत मिलते हैं, अगर आपको एक दो मार्क्स की ज़रूरत है तो वहाँ पर मार्क्स मिल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा कि आपके पास इन्वायरमेंट नहीं था, और काफ़ी मिस पेंडेमिक सिचुएशन थी, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ओपन नहीं थे, कॉलेज मतलब कि स्कूल ओपन नहीं थे, तो काफ़ी सारा चीज़ मैटर करता है। तो यहाँ पर चांसेस है, और लीनियर चेकिंग होगी तो आपको यहाँ पर चांसेस आप पास हो जाओगे, लेकिन सब कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। तो खुद पे भरोसा रखें, टेंशन मत लें, ज़्यादा परेशानी मत हो। अब मैं आपको दोस्तों आखिरी में बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है रियल लाइफ लर्निंग, वहाँ पर दोस्तों आपको वैल्यूएबल वीडियो मिलेगी, इंस्पिरेशन, बायोग्राफी, फैक्ट, मोटिवेशन, एजुकेशन, स्किल्स, लाइफ से रिलेटेड सारी यहाँ पर मोटिवेशन वीडियो मिलेगी। और कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं अपनी लाइफ में जिसमें दोस्तों हम सारी ज़िंदगी भुगतते हैं, सारी ज़िंदगी उसका भुगतान भरना पड़ता है, और हम काफ़ी पछताते हैं। तो बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट जो वीडियो होगी, जो आपका समय बचाएगी, वही वीडियो उस पर प्रोवाइड होगी। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार विजिट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।